Pakistan's flamboyant cricketer turned politician Imran Khan had a bitter divorce with Pakistani anchor weatherwoman Rehm Khan. He hasn't spoken about his divorce at all so far. Whenever he's been asked these questions in Pakistan, he's always snubbed the reporter or the anchor and refused to answer any questions. But I sat down with Imran Khan and I asked him about the India-Pakistan dialogue process, whether the two countries should be playing cricket, and also about Rehm Khan's charge that she was expected, as a modern woman, despite being a modern woman, to sit at home and make chapatis. Is that true? Here's what Imran Khan has to say. हाल में हमने देखा कि एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने दोस्ती की तरफ बढ़ने का पहला छोटा कदम उठाया है. क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से ये बातचीत ठप हो जाएगी, कुछ निकलेगा या नहीं? आपको लगता है कि इस बात कुछ ठोस निकल सकता है? देखिए, कोई भी नहीं कह सकता किस तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के पहले भी डायलॉग शुरू हुए हैं और जब आगे बढ़ने लगे हैं, और एक दो दफ़ा तो बड़े आगे बढ़ चुके थे, लेकिन कोई हादसा होता है और उसके बाद फिर से आप जिस तरह कहते हैं ठप हो जाता है. हम उम्मीद लगा सकते हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के, फ्यूचर के लिए, अपनी नस्लों के लिए, कि अगर अमन होता है, तजारत होती है, तो दोनों मुल्कों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, गुरबत कम होगी. तो इसलिए हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि कामयाब हों. पर एक जो दिक्कत रही हमेशा, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए, उसके बाद करगिल हुआ, पिछली दफा आपके फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, 26/11 उस वक्त हो गया, तो हर बार हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से गोला चला, इसको लेके हिंदुस्तान में बहुत चिंता. ये ठीक है कि यहाँ हिंदुस्तान में ही समझा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है डायलॉग ख़त्म होने में. पाकिस्तान में और खदशात हैं अपने. पाकिस्तान में तो ये है कि जब तक कि अगर कश्मीर का इशू जब तक बॉयल करता रहेगा और हल नहीं होगा, तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, वो एक ऐसी एक इशू है जिसकी वजह से डायलॉग कामयाब नहीं होगा. तो इसलिए कश्मीर के ऊपर बात साथ साथ चलती रहे, तो मेरे ख्याल में कि डायलॉग कामयाब हो सकता है. और हमने अभी हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद कसूरी साहब की किताब निकली है कि नाइदर डव और हॉक, तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि बड़ा आगे तक बातचीत चली गई थी कश्मीर के ऊपर. तो आपको लगता है कि जो मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त, उस वक्त की पाकिस्तान सरकार से जो बातचीत चल रही थी राष्ट्रपति मुशर्रफ के साथ, उसी धागे को आगे पिरोने की कोशिश हिंदुस्तान और पाकिस्तान को करनी चाहिए, जहां पर पिछली बार टूटी थी बातचीत, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए? जी देखिए, दोनों मुल्कों में ऐसे लोग बैठे हैं जो नहीं चाहते ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ये थोड़े से हैं. अक्सरियत दोनों मुल्कों में समझती भी है, चाहती भी है कि मुल्क अब आगे बढ़े, हम अपनी माजी से ये सबक सीख के आगे बढ़ें, क्योंकि हम एक जेल में फंसे हुए अपने माजी के. और अगर हम, मेरी हमेशा ये कंटेंशन है कि लीडरशिप चाहिए. एक लीडर और ऑफिस बेरर में बड़ा फ़र्क है. लीडर जो होता है वो लोगों को इंस्पायर करता है, एक ख्वाब दिखाता है, कहता है कि अगर हम ये कर दें तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं. तो बदकिस्मती से ये जो लीडरशिप है, इसका फुकदान है, ये इसकी कमी है. होता क्या है कि इंटरेस्ट में फंस जाते हैं, या जब कोई रास्ते में ऑब्स्टिकल आता है तो बजाय उसको हल करने के वहीं फंस जाते हैं, और फिर बातचीत बीच में रह जाती है. मेरे ख्याल में ये इतनी अहम चीज़ है, अगर हम लोगों को ये बता दें कि अगर दो मुल्कों के अंदर अमन हो जाता है और हम अपना मसला हल कर लेते हैं, और असल तो एक ही मसला है कश्मीर का, अगर इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, आप मानते हैं कि कश्मीर ही सबसे अहम मसला है, क्योंकि हिंदुस्तान मानता है कि आतंकवाद सबसे बड़ा मसला है और आतंकवाद पर पहले कोई समाधान निकलना चाहिए, टेररिज्म. लेकिन टेररिज्म भी तो कश्मीर से रिलेटेड थी ना, यानी अगर कश्मीर खत्म हो जाए तो टेररिज्म. वैसे 26/11 का मुंबई में हमला होता है, 186 लोग मरते हैं, तो कश्मीर से जुड़ा नहीं है, वो तो सीधे सीधे ISI और लश्कर का एक गेम प्लान है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका कश्मीर से कोई वास्ता नहीं. देखिए, अगर हम लोगों को ये बता दें, अपनी दोनों कौमों को, पाकिस्तान का लीडर पाकिस्तान को बताए, हिंदुस्तान का लीडर हिंदुस्तान को बताए कि देखें, हमारे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं ये ना हो, लेकिन अगर ये हो जाए अमन, तो ये मुल्क, ये दोनों बड़े सगीर किधर से किधर पहुंच सकता है. आपको पता है मनमोहन सिंह, मैं यहीं इधर आया था कॉन्फ्रेंस पे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि एक ही रुकावट है इस बड़े सगीर के आगे जाने की, और वो है कश्मीर, और अब हमारे जो ताल्लुक ठीक नहीं है. अगर हम ये ताल्लुक ठीक कर दें, आप सोचें कि ये जो गुरबत है दोनों में, सबसे बड़ा मसला तो गुरबत है.
जो भी लीडर बनता है वो एक ही चीज कहता है ना कि मैं गुर्बत कम करूंगा, गुर्बत खत्म करने के लिए आता है। तो गुर्बत तो खत्म तब होगी, सबसे कम गुर्बत को आप इंपैक्ट डालेंगे जब ट्रेड बढ़ेगी दोनों मुल्कों में। ट्रेड तब बढ़ेगी जब अमन होगा, अमन तब होगा जब हम अपनी। पर सर जहां तक ट्रेड का सवाल है, हिंदुस्तान कहता है कि हम व्यापार के दरवाजे खोलने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हो हिंदुस्तान को देने को तैयार नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का नाम बदल के नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस कर दिया जाता है, तब भी पाकिस्तान वो हिंदुस्तान देने को तैयार नहीं। जब पाकिस्तान ही दरवाजे नहीं खोलना चाहता तो ट्रेड कैसे बढ़ेगा सर? ऐसे नहीं है, देखिए पाकिस्तान में और खदशात देते हैं। आप जब बॉर्डर के इधर बैठे हैं ना हिंदुस्तान में, तो आपको और चीजें नजर आएंगी, हम उधर बैठे हमें और चीजें नजर आती हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम एक हम हॉस्टेज हैं, हम गिरवी रखे गए हैं एक अपने इश्यूज से, इसलिए कि कोई ये नहीं कहता कि देखें ये रुकावटें आएंगी, लेकिन हमने यहां पहुंचना है, हमने इन रुकावटों को दूर करना है। ये रुकावटें आएंगी, लीडर में यही तो फर्क होता है। आप दोनों लीडरशिप पे क्रिटिसाइज करते थे, आप कहते थे कि नवाज शरीफ और मोदी में मादा नहीं है चीजों को आगे ले जाने का। कहीं मैं आपके बयान पढ़ रहा था जिसमें आपने काफी हमले किए। हमले नहीं, मेरा एक ही हमला है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने सीक्रेट मीटिंग की, मेरा कहने का ही मकसद कि देखें वो और जो किस कॉन्टेक्स्ट में था कि बरका दाद कहती है कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट से डरे हुए थे नवाज शरीफ, इसलिए सीक्रेट, और नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंस्टिट्यूएंसी से डरे हुए थे इसलिए खुफिया थी, इसके खिलाफ हूं मैं। मैं कहता हूं कि आप लीडर हैं, उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी को कैरी करना चाहिए, नवाज शरीफ को अपनी एस्टैब्लिशमेंट को कैरी करना चाहिए, अपनी फौज है ना, उनको बताएं कि जनाब आगे मुल्क में आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, हमने कैसे निकालना है, तजारत होगी, आपकी टेंशन कम होगी बॉर्डर्स में। सर हर दफा जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की कोशिश हुई कोई ना कोई बड़ा हमला हुआ और बातचीत ठप हो गई। क्या गारंटी है कि इस दफा ऐसा नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए वो ये कि दो लीडरशिप को इकट्ठे बैठना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि क्या हम, अगर कोई भी एक ग्रुप हमारी बातचीत को तोड़ने के लिए हमला कर देगा तो हम पीछे हट जाएंगे, हम उस ग्रुप के पीछे जाएंगे। जो ग्रुप इस बातचीत को तोड़ने की कोशिश करेगा आप उसको पकड़ेंगे, लेकिन हमने अपनी बातचीत नहीं तोड़नी। देखिए विजन इस तरह होती है, आप जब एक विजन रखते हैं ना लोगों को कहते हैं, फिर सारी रुकावटें जो विजन के बीच में आती हैं उनको रोकते हैं, उनको साइड पे करते हैं, नहीं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर हर बारी हमने जब आगे जाने लगा जिसका इंटरेस्ट हुआ कि हमारी लड़ाई करवाने में, या मसलन हथियार बेचता है हमारे दोनों मुल्कों को कोई हथियार बेचता है वो करवा दे कोई धमाका, तो इसका मतलब हम रुक जाएंगे। हमें फैसला करना चाहिए कि क्या हमारे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतरीन चीज़ है, अमन है, तजारत है, और इसलिए हमें सारी रुकावटें रोकनी चाहिए जो हमें रोकती है वहां पहुंचाने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम की को जो सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीरीज है, और क्योंकि मैं खेला हुआ हूं और मुझे पता है कि क्या हालात होते हैं यहां ही नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान जिधर पाकिस्तानी और हिंदुस्तान दुनिया में थे सारे टीवी देख रहे थे। तो इतना अगर इंटरेस्ट हो किसी सीरीज में और उसमें फिर रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि फिर दोनों बोर्ड्स अपने लोगों पे अपने खिलाड़ियों पे खर्च कर सकते हैं, तो ये बड़ा जुल्म है कि हमने वो सीरीज खत्म। पर क्या आपको लगता है कि क्रिकेट का पॉलिटिक्स से सब कॉन्टेंट में जोड़ा जाना लाजमी है? क्योंकि हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से दो टीमें नहीं आ सकती, एक आतंकवादियों की टीम अजमल कसब जिसमें आता है 26-11 हमला करते हैं, और दूसरी क्रिकेटरों। लेकिन जो वो टीम आई थी मुंबई में हमला करने के लिए, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता जिसने उनकी मजम्मत ना की हो कि उनको सजा ना दी जाए, मैं किसी पाकिस्तानी को नहीं जानता। हाल ही में इंडिया में जो महिलाएं हैं उनके बीच में बहुत बड़ी एक डिबेट हुई रहम के एक इंटरव्यू को लेकर, उसके बारे में पूछना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि उनके पीटीआई के एक सीनियर एडवाइजर ने उन्हें कहा कि वो चाहते थे कि मैं किचन में रहूं, चपाती बनाऊं और कभी बाहर ना निकलूं। ये बयान रहम खान ने एक संडे टाइम्स को इंटरव्यू में दिया, और महिलाओं को लगा कि इमरान खान जैसा प्रोग्रेसिव डैशिंग इंसान क्या चाहता है कि उसकी बीवी घर में रहे चपाती बनाए। हमारा रहम का और मेरा एक इंटरव्यू है सीधा शादी के बाद, तो वो आप इंटरव्यू में देख लें, तो उसमें कह रहा हूँ कि मुझे इनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है कि ये इन्होंने बच्चे भी बड़े किए, अच्छी माँ भी हैं और वर्किंग वूमन है, दो दो नौकरियाँ की इन्होंने, दो दो काम करके बच्चे, ये जो मुझे सबसे ज़्यादा इनमें चीज़ पसंद है। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती कि आदमी को 10 महीने पहले ये पसंद है और उसके बाद कहे कि जी वो किचन में, यानी कौन सा आदमी। वो शायद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पीटीआई की जो पार्टी के लोग थे वो नहीं चाहते,
क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं रिश्ते के बीच में आ गई? मैं इसमें और बात नहीं करना चाहता। देखिए फिर से मैं कहता हूँ कि इसमें जब इंसान की जो तलाक होती है एक बड़ी दुख भरी की चीज़ होती है, किसी के ऊपर भी ये ना गुजरे, क्योंकि तकलीफ होती है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं कभी और आगे बात नहीं करता।